माई डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम अगेन इन माई यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का अपना स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ की मोमेंट्स जो बुक है उसकी थर्ड स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें जो ईश्वरन है कहानी बता रहा है महेन को, वो एक हाथी की कहानी बता रहा जो पागल हो गया है और पागल हो करके सबको नष्ट कर रहा है। स्कूल पहुंच गया है, स्कूल में जो है स्कूल के जो कर्मचारी हैं टीचर हैं छज्जे पर चढ़ गए हैं, वहां से देख रहे हैं और हाथी जो है स्कूल की हर चीज़ को विनाश कर रहा होता है, लेकिन वह कुछ भी करने में कुछ रोकने में असमर्थ होती हैं। फिर देखते हैं और शहर के लोग जो हैं मानो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मानो गलियां वीरान हो गई हैं, सड़कें सूनी हो गई हैं, मानो लोग जो है इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड द इनहेबिटेंट्स। देखिए लास्ट मैंने पढ़ाया था द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सड़कें खाली हो गई थी, एज इफ मानो द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, मानो पूरे कस्बे के लोग कहीं गायब हो गए हूँ। फिर आके देखते हैं क्या होता है, लेखक क्या बताता है आगे। ये लेखक वही स्टोरी जो ईश्वरन है जो रसोईया है महेंद्र का, सुपरवाइजर महेंद्र का रसोईया है, वो आगे क्या कहानी बताता है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था। लेखक वो कहानी बताता है, ईश्वरन कहता है कि ईश्वरन उस समय जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था उसी स्कूल में जिसमें हाथी प्रवेश किया है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्राम द रूप टॉप, और छत के ऊपर सबसे ऊपरी छत से ये पूरा ड्रामा देख रहा था। होल ड्रामा माने इंटायर, देखो इंटायर प्रयोग हुआ है यहाँ पर, संपूर्ण होता है, यहाँ होल प्रयोग हुआ है। पूरा या संपूर्ण के बहुत माने होते हैं, होल होता है, इंटायर होता है, थारो होता है, कंप्लीट होता है। हाँ देखिए, तो आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, जो वो कहानी बता रहा है वो कह रहा है कि वो उस समय जो है जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था उसी स्कूल पढ़ रहा था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्राम द रूप टॉप, और उस हाथी के द्वारा विनाश किए गए पूरे ड्रामा को, किए जा रहे ड्रामा को देख रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट केम ओवर मी सडनली, अचानक मुझको क्या हो गया। वो कहानी बताने वाला कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि अचानक मुझे क्या हो गया। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, अचानक मेरे दिमाग में क्या हो गया। आई ग्रेब्ड ए केन, मैंने एक डंडा लिया, एक लाठी लिया, केन में डंडा लाठी बेंत। आई ग्रेब्ड में पकड़ा या लिया, ग्रेब्ड में पकड़ना सीज पकड़ा, एक लाठी लिया फ्राम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने टीचर्स के हाथ से, अर्थात डंडा ही था बेंट ही था, हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स मैंने एक टीचर के हाथ से डंडा ले लिया, मैंने बेंत ले लिया, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स और जीने से उतर आया, एंड इनटू द ओपन और खुले में आ गया, मैं जीने से नीचे उतर करके खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और हाथी के पास आ गया। देखिए ईश्वरन कह रहा है वो हाथी के पास आ गया खुले में डंडा ले करके। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिघाड़ा, ग्रंटेड में चिल्लाया चिघाड़ा, ग्रंट आवाज़ की, हाथी की आवाज़ ग्रंटेड बोलते हैं, जो बोलता है उसकी बोली वॉयस को जो है साउंड को, द एलिफेंट साउंड इज ग्रंटेड, तो हाथी की आवाज़ में चिघाड़ा। देखिए तो द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, हाथी चिघाड़ा और एक पेड़ की डाल को डराते हुए हिलाया, विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो अपने सूंड में पकड़े हुए था। ट्रंक मैंने सूंड होता, ट्रंक मैंने तना भी होता, ट्रंक मैंने सूंड होता, हाथी की सूंड को ट्रंक बोलते हैं, अर्थात हाथी अपने सूंड में एक बड़ी सी पेड़ की शाखा लिए हुए था, उसको उसने चारों ओर घुमाया। इट स्टम्पेड एट इट्स फीट, इसने हाथी ने अपना पैर भी नीचे पटका डराने के लिए, मुझको डराने के लिए, इसको ईश्वरन को डराने के लिए अपना पैर भी नीचे पटका। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और बहुत सा कीचड़ और धूल मिट्टी पर पैर मारते हुए, इट लुक्ड फ्राइटनिंग,
उसने मुझे डराने का प्रयास किया। बहुत इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत डरावना लग रहा था, हाथी बहुत डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन ईश्वर कहता है कि वो डरा नहीं, आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, मैं इसकी ओर बढ़ता गया। टुवर्ड्स मैंने की ओर, किसकी ओर, हाथी की ओर बढ़ता गया धीरे धीरे। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में वही स्टिक, वही बेंत लिए हुए था। पीपल वर वॉचिंग द सीन, हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाउट हाउस स्टेप्स, लोग देख रहे थे। पीपल वर वॉचिंग द सीन, लोग उस सीन को देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस स्टेप्स, हाउस टॉप्स माने पास पड़ोस के घरों के सबसे ऊंची ऊंची छत पर बैठ, लोग देख रहे थे। ऊंची छत पर खड़े होकर के लोग अपने मकानों को सबसे ऊंची छत पर खड़े होकर के पास पड़ोस के हिप्नोटाइज्ड होकर के सम्मोहित होकर के उस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने लाल लाल आंखें किए हुए मेरी ओर देखा। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, वो मेरी ओर दौड़ लगाने वाला था, मेरी ओर झपटने वाला था। हाथी लाल लाल आंखें किए हुए मेरी ओर देख रहा था। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, मेरी ओर जो है दौड़ लगाने वाला था, झपटने वाला था। इट लिफ्टेड इट्स टंग, उसने अपनी सूंड उठाई ऊपर को। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और बहुत ज़ोरों से चिघाड़ा। देखो यहाँ टेम्पटर में चिघाड़ा, टेम्पटर प्रयोग किया गया है, यहाँ ग्रंट प्रयोग किया गया है, दोनों का चिघाड़ना होता है। ग्रंट में धीमी आवाज़ में चिघाड़ते हैं और घुघराते हैं, और टेम्पटर में तेज आवाज में जो है चिल्लाते हैं। हाँ देखिए, तो इट लिफ्टेड इट्स टंग एंड ट्रम्पटेड लाउडली, हाथी ने अपनी सूंड उठाई और बहुत तेज़ी से चिघाड़ा। एट दैट मोमेंट, उस क्षण आई मूव्ड फॉरवर्ड, एंड उस क्षण एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ता गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और पूरी हिम्मत जुटा करके, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स अपनी पूरी ताकत जुटा करके, पूरी हिम्मत जुटा करके, क्योंकि डर के भागा नहीं पर हिम्मत के साथ आगे बढ़ता जा रहा हाथी की ओर। देखिए, एट दैट मोमेंट मैंने उस क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं उस क्षण भी आगे बढ़ता गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत पूरी हिम्मत जुटा करके। वेग्ड माने प्रहार किया, स्टक फोर्स बहुत तेज़ी से प्रहार किया। वेग्ड माने स्ट्रोक, बहुत तेज़ी से प्रहार किया। वेग्ड नया शब्द आया यहाँ पर, वेग्ड कम प्रयोग होता है, इसका मतलब स्ट्रोक, स्ट्राइक में प्रहार करना, वेग में प्रहार करना, तो यहाँ पर वेग माने स्ट्रोक हो जाएगा। स्टक फोर्सफुल्ली, तो स्टक माने वेग माने स्टक फोर्सफुल, ताकत से पूरी हिम्मत जुटा करके पूरी ताकत से प्रहार किया। क्या प्रहार किया? इट्स थर्ड टू नेल ऑन द क्विक, माने जल्दी से इसके तीसरे पैर के नाखून में, अर्थात इसके पैर के नाखून में, तीसरे पैर के नाखून मतलब पैर के तीसरे नाखून में प्रहार किया तेजी से। द बीस्ट लुक्ड स्टनड फॉर ए मोमेंट, जानवर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। द बीस्ट लुक्ड स्टनड फॉर ए मोमेंट, माने जानवर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फूट, उसके बाद वह सिर से पैर तक के कांप उठा। एंड कलैप्स्ड माने ढह गया, अर्थात सडनली फेल डाउन, अचानक वो जानवर अर्थात हाथी गिर गया। इस प्रकार से कैसे जो है ईश्वर ने कहानी बता रहा है कि कैसे उस पागल हाथी को एक केवल एक बेंट से, एक डंडे से, उस डंडे से उसके पैर के तीसरी उंगली पर के नाखून प्रहार करके उसको ढह दिया या उसको गिरा दिया। देखिए, तो एंड कैलेस्टर बन ढह गया, हाथी नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट, इस इतनी कहानी का बताने के बाद ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, माने जब कहानी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, बहुत रोचक पहुंच गई, तो उसने कहानी कहना बंद कर दिया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, माने इस बिंदु पर जो है ईश्वरन ने कहानी को बिना पूरा किए छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और मम्बलिंग करते हुए शांति से कुछ मन में कहते हुए, शांति से फुसफुसाते हुए, मीनिंग मैंने लिख दिया है कहीं की कठिन मीनिंग जो हिंदी में लिख दिया उसको, तो मम्बलिंग नया शब्द प्रयोग किया गया, विस्परिंग हो जाएगा।
तो अपने मन में कोई चीज़ बुदबुदाते हुए उसने कहानी कहना बंद कर दिया। देखिए एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, माने इस बिंदु पर जो है अपनी कहानी कहने के बाद जो है ईश्वरन ने उस पूरी ना हुई कहानी को छोड़ दिया एंड गेट अप मम्बलिंग और उठ खड़ा हुआ कोई चूज फुसफुसाते हुए। क्या कहा उसने, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं गैस जला करके और भोजन को गर्म करके आ रहा हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो सुपरवाइजर था और अपना सब कुछ भुला करके उस कहानी को सुन रहा था। हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट, माने मंत्रमुग्ध होकर के अटेंशन में ध्यान से कहानी सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वहीं पर जो है वो अटक गया अर्थात उस कहानी को के बारे में और आगे जानने की इच्छा करने लगा। व्हेन ही रिटर्नड, जब वो वापस लौटा, ईश्वरन वापस लौटा, उसका वापस लौटा, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रीड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, ईश्वरन ने कहानी वहीं से नहीं प्रारंभ कर दी किया। ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रीड ऑफ द स्टोरी, ईश्वरन ने कहानी के धागों से वहीं से पिकअप नहीं किया राइट अवे, मन ठीक वहीं से। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को याद दिलाना पड़ता था, महेंद्र को उस कुक को उस रसोईया को याद दिलाना पड़ता था कहानी से कहाँ से कहानी तुमने कहाँ तक कहानी तुमने सुनाई थी। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि अभी कहानी का अंतिम भाग शेष है उसको भी सुनाइए। वेल ये वेटरिनरी डॉक्टर वाज समंड टू रिवाइव द एनिमल, तो ठीक उसने बताया कहा कि कहानी समाप्त किया, कहानी के संघर बताया कि ठीक हाँ ठीक याद आ गया उसको। कहा उसने ए वेटरिनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, उस जानवर को अर्थात हाथी को चेतना में लाने के लिए, हाथी को जो है सचेत करने के लिए या उसको चेतना में मूर्छा से मुक्त करने के लिए एक पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन जो है अपने कंधे कभी कभी मटकाता था। टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महाउट टू द जंगल, दो दिन बाद जो है इसको उसके महाउट के द्वारा जंगल को ले जाया गया। इस प्रकार से उस हाथी की कहानी उसने बताई थी और किस ढंग से बताई थी आपने देखा। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, फिर महेंद्र ने पूछा कि ईश्वरन तुमने ऐसा कैसे कर लिया। वेल ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, तुम ऐसा करने में कैसे सफल हो गए कि डंडे से हाथी को गिरा दिया आपने, बेहोश कर दिया। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हे ईश्वरन तुमने ऐसा कैसे करने में समर्थ हो गए तुम। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द ब्रीस्ट, तुमने हाथी को उस विशाल प्राणी को कैसे गिरा दिया। इट हैज समथिंग टू विद द विद ए जापानीज आर्ट, इस कला का संबंध जापानी कला से है। आई थिंक सर, मैं सोचता हूँ सर कैराटे आज जू जिसु इट इज कॉल्ड, इसका संबंध इस कला का संबंध कैराटे कला जो जापानियों का मुख्य खेल है उससे है। आज जू जिसु इट इज कॉल्ड, जिसको जू जिसु भी कहते हैं जो जापान के लोग हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इस कला के बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम यू सी, यह अचानक जो है किसी के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जो है ये किसी के नर्वस सिस्टम को इस प्रकार से प्रहार करने पर, किसमें हाथी के तीसरे नाखून प्रहार करने से जो है उसका नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। यू सी, तुमने देखा कि कैसे हाथी का नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो गया था। तो इस प्रकार से कहानी उसने बताई। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल आर नॉट, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट्स बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। नॉट ए डे पास्ट, कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, जबकि ईश्वरन कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनाता था, अर्थात बगैर कहानी सुनाए हुए ईश्वरन का कोई दिन नहीं बीतता था। पैक्ड विद एडवेंचर, और कहानियाँ जो है एडवेंचर से हरर से और सस्पेंस से भरी हुई थी होती थी कहानियाँ उसकी जो है साहसी कार्यों से डर से और असमंजस से भरी हुई होती थी,
अर्थात प्रत्येक दिन जो है इस प्रकार से डर से भरी हुई, साहसी कार्यों से भरी हुई, असमंजन से भरी हुई कहानियाँ ईश्वरन प्रत्येक दिन सुनाता था, कोई दिन गैप नहीं होता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल आर नॉट, चाहे कहानी विश्वसनीय हो या विश्वसनीय ना हो, क्रेडिबल मन विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, तो चाहे वो कहानी विश्वसनीय हो या ना हो, लेकिन महेंद्र प्रत्येक दिन एक कहानी करता था, वो ईश्वरन प्रत्येक दिन कहानी करता था और महेंद्र को सुनाता था। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र इसका आनंद लेता था सुन करके, महेंद्र ऐसी कहानियाँ सुन करके आनंद लेता था। बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि किस प्रकार से इतने अच्छे ढंग से कि दूसरा कोई सुना नहीं सकता था, इमिटेबल वे में अर्थात कोई दूसरा उस प्रकार की कहानी सुनाने की नकल नहीं कर सकता था उसको, कहानी जैसा कि ईश्वरन सुनाया करता था, अर्थात ईश्वरन की तरह कोई दूसरा कहानी नहीं सुना सकता था, और महेंद्र उसका हमेशा आनंद लेता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस, हाँ देखिए, ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी, टीवी की कमी पूरा करने के लिए ईश्वरन काफ़ी था, अर्थात इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर, महेंद्र के उस रहने वाले क्वार्टर में महेंद्र के पास टीवी नहीं था, लेकिन उस टीवी की कमी, टेलीविज़न कमी जो है ईश्वरन पूरा कर देता था, अर्थात उस कमरे में रहने से, क्वार्टर में रहने से महेंद्र कभी उबता नहीं था, कभी बोर नहीं होता था, क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके, अच्छी रोमांचक कहानियाँ सुना करके जो है ईश्वरन जो है महेंद्र की महेंद्र के जो है महेंद्र को आनंद देता रहता था। वन मॉर्निंग, एक प्रातःकाल, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र जो है ब्रेकफास्ट कर लिया, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने उससे कहा, वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र ने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया, प्रातःकाल का प्रातःकाल का नाश्ता कर लिया, ईश्वरन आस्ट, ईश्वरन ने कहा, कैन नॉट आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, महोदय सर क्या मैं कोई आज रात विशेष भोजन बनाऊँ, कैन नॉट आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट, आज रात के भोजन के लिए कोई विशेष चीज मैं बनाऊँ, आफ्टर ऑल टूडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज बहुत पावन दिवस है, ऑस्पिशियस पावन पवित्र दिवस है, शुभ दिवस है, क्योंकि आज बहुत शुभ दिवस है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टूडे सर, महोदय हमारी देश की परंपरा के अनुसार, हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार जो है हम लोग ऐसे शुभ अवसर पर अपने पूर्वजों की अंतरात्मा को खुश करने के लिए, स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, माने आज ऐसा दिन है जब हम अपने पूर्वजों की अंतरात्मा को फीड करने के लिए सुंदर और स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं, एक ऐसा दिन है आज, इसलिए हम भी जो है एक ऐसा भोजन, बहुत अच्छा भोजन पकाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर, हम पकाएंगे वेरियस डेलिकेसीज, डेलिकेसी स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस फूड, वेरियस विभिन्न प्रकार का, टू फीड द स्पिरिट्स, माने अपनी वो ऑफ आवर एंसेस्टर्स टूडे, पूर्वजों की अंतरात्मा को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए हम जो है, हमारी परंपरा रही है कि आज के दिन शुभ अवसर पर जो है हम विभिन्न प्रकार का भोजन पकाते हैं सर। दैट नाइट महेंद्र इंजॉयड द मोर डिलीशियस डिनर, उस रात महेंद्र ने जो है बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलनरी स्किल्स, और ईश्वरन की कुलनरी स्किल्स की बढ़ाई किया, कम्प्लीमेंटेड मैंने कम्प्लीमेंट किया, टिप्पणी किया, उसकी शाबाशी दिया, उसकी बढ़ाई किया उसके भोजन पकाने की कला को, क्योंकि बहुत अच्छा भोजन पकाता था ईश्वरन। तो द मोस्ट, तो दैट नाइट, उस रात को महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एट द कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलनरी स्किल्स, उस रात महेंद्र ने बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, और महेंद्र, वो ईश्वरन ने जो भोजन पकाया था उसकी भोजन कला की बढ़ाई किया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वो बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था, बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, माने बिना आशा के, लॉन्चेड इनटू ए मोस्ट गेरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, लेकिन इसी बीच में जो है अचानक जो है ईश्वरन जो है कहानी प्रारंभ कर दिया, लॉन्च कर दिया, प्रारंभ करना, लॉन्च करना, शुरू करना, कैसी कहानी, इनटू ए मोस्ट गेरिश,
बहुत भड़कीली कहानी शुरू कर दिया। ग्रेट भड़कीली गड़ी अकाउंट माने कहानी विवरण इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल भूत प्रेतों की आत्मा भूत प्रेत आत्माओं की कहानी को इन्वॉल्व करती हुई, अर्थात भूत प्रेत की कहानी को इन्वॉल्व करते हुए ईश्वर ने एक कहानी कहना शुरू कर दिया। यू नो सर, क्या कहा उसने ईश्वर ने, यू नो सर, तुम जानते हो, आप जानते हैं, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, ये पूरी फैक्ट्री एरिया जो है, पूरा फैक्ट्री का जो क्षेत्र जहां हम लोग रह रहे हैं समय, वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बरियल ग्राउंड्स, ये एक कभी जो है एक बरियल ग्राउंड हुआ करता था, बरियल ग्राउंड चर्च यार्ड अर्थात कब्रिस्तान हुआ करता था, बरियल ग्राउंड माने दफनाने का स्थान हुआ करता था, डेड बॉडी को दफनाने का स्थान हुआ करता था, अर्थात कभी इस क्षेत्र में लोग डेड बॉडी को दफनाते थे जहां हम लोग रह रहे हैं। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, महेंद्र वाज जर्केड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड डिप्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइड मील, महेंद्र को झटका लगा जो कि एक दिवास्वप्न देख रहा था, क्योंकि उसने सेटिस्फाइड मील लिया था, बहुत अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन ले करके डिप्ट होकर के पूरा भोजन खा करके आत्मतृप्त होकर के जो है वो दिवास्वप्न देख रहा था, अर्थात सोने का प्रयास कर रहा था। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट वॉज व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पथ, ईश्वर बताता है मैं तो पहले ही दिन जान गया था जब इस क्षेत्र में आया था, ईश्वर कह रहा है आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, मैं तो पहले ही दिन जान गया था कि यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था कभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, मैं पहले ही दिन जान गया था स्वयं से, व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक मानव की खोपड़ी देखी थी, स्कल देखा था, स्कल खोपड़ी का कंकाल देखा था, लाइंग ऑन द पथ मन रास्ते में पड़ा हुआ, अर्थात पहले ही दिन ईश्वर ने जो है क्या बता रहा है, मैंने पहले दिन जब हम यहाँ आए थे तो पहले ही दिन मैंने जो है एक ह्यूमन स्कल देखा था, तो मुझे मालूम हो गया था ये कोई क्षेत्र कब्रिस्तान का क्षेत्र है। इवन नाउ, यहाँ तक कि अब भी, आई कम एक्रास ए नंबर ऑफ स्कल्स, मैं बहुत सी स्कल्स को देख चुका हूँ, आई कम एक्रास ए नंबर ऑफ स्कल्स, बहुत सी खोपड़ियों को देख चुका हूँ, एंड बोन्स वन हड्डियों को, ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वर ने अपनी कहानी जारी रखी, तो उसने बताया कि पहले ही दिन उसने जो है एक मानव की खोपड़ी देखी थी, तब से अनेक खोपड़ियाँ और अनेक हड्डियों को देख चुका है। ही बेंट ऑन, उसने अपनी कहानी जारी रखी, ही बेंट ऑन, उसने अपनी कहानी जारी रखी टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, उसने और आगे बताया अपनी कहानी में कि कैसे वो रात में भूतों को देखा करता है। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, उसने ही वेंट ऑन टू नरेट माने उसने कहानी जारी रखी, हाउ ही समटाइम्स कैसे वो रात में भूत भी देखा करता है। आई एम नॉट इजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ सर, ईश्वर कह रहा है, जो उसका रसोईया कह रहा है, आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, महोदय मैं इन भूतों प्रेतों से डरता नहीं हूँ, आई एम ए ब्रेव फीलो, मैं एक बहादुर साथी हूँ, अर्थात मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ, बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमेन, लेकिन एक महिला का भूत जो है बहुत भयंकर है, बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, यहाँ ऑफ एंड ऑन प्रयोग किया, मुहावरा भी है ऑफ एंड ऑन माने जब तक या कभी कभी, एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात को, फुल मून माने पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात होती ना जब पूरा चंद्रमा निकलता है पूरी रात भर रहता है, तो देखिए मुझे बता रहा है कि ईश्वर कह रहा है कि वो बहादुर आदमी भूतों से डरता नहीं है, बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, लेकिन जब पूर्णिमा की रात होती है उस रात में एक महिला का भूत जो होता है ऑफ एंड ऑन, कभी 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 पूर्णिमा की रात को एक महिला का भयंकर भूत दिखाई पड़ता है, इट इज एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर, ये एक विचित्र प्राणी दिखाई पड़ता था, डरावना होती है महिला का भूत, बहुत डरावना होता है, मैटेड हेयर माने इसके टैंगल्ड हेयर होते हैं, अर्थात बाल उलझे होते हैं उसके,
एंड ए सीवेल्ड फेस, और उसका चेहरा चेहरा जो है उसमें झुर्रियाँ पड़ी होती, रिंकल्ड होता और कंट्रैक्ट में चिपड़ा होता है। लाइक ए स्केल्टन, मानो वो कंकाल हो, अर्थात के शरीर में कोई मांस नहीं दिखाई पड़ता है, केवल शरीर में कंकाल दिखाई पड़ता है और उसके शरीर में चमड़ी होती, उसमें झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, और चेहरा जो है चिपड़ा हुआ होता है। होल्डिंग ए फोर्टेस इन इट्स आर्म्स, और अपनी गोद में एक भ्रूण लिए होती है। एक भ्रूण माने बच्चा जो पेट पलता है पहले, उसको भ्रूण बोलते हैं। तो पेट में पलने वाला बच्चे का भ्रूण लिए होती है अपनी गोद में, ऐसा भयानक जो है महिला का भूत दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है? चंद्रमा और पूर्णिमा के दिन दिखाई पड़ता है। तो ये डरावना होता है। मैं किसी भूत को डरता नहीं, उसने बता रहा है किसी भूत को डरता नहीं, लेकिन जो महिला का भूत दिखाई पड़ता है वो भय बहुत भयंकर होता है। और वो महिला कैसी होती है? जिसके बाल जो है उलझे हुए होते हैं, शरीर एकदम सूखा कंकाल तरह होता है, और झुर्रियाँ शरीर में झुर्रियाँ और सिकुड़ा हुआ फेस दिखाई पड़ता है। महेन शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महेंद्र इस वर्णन से कांप गया, डर के कांप गया, एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और जल्दी रादर शार्पली में तेजी से उसको डांट दिया, इंटरप्ट मन बाधा किया, मतलब उसको रोका। यू आर क्रेजी, तुम सनकी हो, ईश्वरन तुम सनकी हो, तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट आर स्पिरिट्स, कोई भूत और आत्मा नहीं होती, तुम सनकी हो, तुम पागल हो, कोई भूत आत्मा नहीं होती दुनिया में। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी मन की केवल कल्पना है। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी मन की केवल कल्पना है। इमेजिन कल्पना की तुम्हारे मन की उत्पत्ति की बात है, भूत नहीं होता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिंड, अपने पाचन क्रिया को जांच कराइए, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सिर की भी, अपने दिमाग की भी जांच कराइए। महेंद्र इसको फटकारा, कहा है भूत नहीं होते, तुम्हारे मन की केवल कल्पित कहानी है, और अपने दिमाग, अपने पाचन शक्ति की जांच, पाचन प्रणाली की जांच कराइए, एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपने मस्तिष्क की जांच कराइए। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, भूत प्रेत नहीं होती हैं। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, उसने अर्थात जो है ईश्वरन ने कमरे छोड़ दिया था और रात को सो गए थे। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, शायद ईश्वरन जो है दो दिन तक ना बोले। सल्क माने टू बी साइलेंट, माने चुप रहेगा, ऐसा आशा किया। महेन शायद दो दिन कहानी कोई ने सुना है, नाराज हो गया हो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली प्रातःकाल, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज ईयर, लेकिन ये बहुत आश्चर्य हुआ महेश को कि अगले दिन जो रसोईया था, ईश्वरन था, वो प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था और बातचीत कर रहा था, अर्थात उसके ऊपर फटकारने का उसका कोई असर नहीं पड़ा था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन के बाद महेंद्र को फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपने बहादुरी बातों के बावजूद भी बेन टू बेड विद ए सर्टेन अनईज, माने जब सोने जाता था तो उसको बेचैनी महसूस होने लगी थी। जब से भूत की कहानी सुनाया था उसने जो है, तब से जो है महेंद्र को उस दिन से बहुत बहादुर होने की बातचीत करने के बावजूद भी, अर्थात बातचीत बहादुरी करता था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन बेन टू बेड विद ए सर्टेन अनईज, माने सोते समय उसको बेचैनी महसूस होती थी, कष्ट महसूस होता था, डर लगने लगा था, अर्थात भूत प्रेत डर लगने लगा था। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, प्रत्येक रात को जो है वो अंधकार को झांकता था। पियर में झांकना, ताकना, देखना, प्रत्येक रात को पियर करता था, ताकता था, एकटक देखता था अंधकार में। आउटसाइड थ्रू द विंडो, विंडो से बाहर देखा करता था। नेक्स्ट टू हेज, मैंने अपने बिस्तर से उठ करके, टाइम टू मेक श्योर एंड देयर वर नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और कहीं विसिनिटी में, नियर बाई में, पड़ोस में, कहीं आस पास कोई भी जो है काली छाया दिखाई नहीं पड़ती थी, अर्थात भूत प्रेत की कोई काली छाया दिखाई नहीं पड़ती थी उसको। बट ही कुड ऑनली सी ए सीडा ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, बल्कि जो है ही कुड ऑनली सी, वो केवल क्या देखता था, सी ऑफ डार्कनेस, माने अंधकार का समुद्र दिखाई पड़ता था, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, माने टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, माने फैक्ट्रियों की जो दूरी माइल्स अवे, मीलों दूर फैक्ट्रियों की जो ट्विंकलिंग टिमटिमाते हुए लाइट होती थी वहीं केवल दिखाई पड़ती थी, और बाकी जो है केवल जो है
अंधकार का सागर दिखाई पड़ता था। अर्थात वो रात को उठकर देखने का प्रयास करता था महेन कि कहीं काली छाया वो दिखाई पड़े, लेकिन पास पड़ोस में देखिए बट ही कुड ऑनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन केवल जो है अंधकार का सागर दिखाई पड़ता था, अर्थात चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता था। रात में विंडोज देखता था तो केवल अंधकार दिखाई पड़ता था, और दूर मीलों दूर फैक्ट्री जो लगी हुई थी उस फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई लाइटें दिखाई पड़ती थी। अर्थात कभी भूत उसको रात में दिखाई नहीं किया दिया, जबकि वो डरता था, महेंद्र डरने लगा था और रात में देखने लगा था। इस प्रकार से यहाँ पर हम रोकते हैं, जो बचा हुआ भाग है पार्ट है इसको हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।